भाइयों, मैंने एक आइटम वायरल हुई थी, आपके लिए पेश कर रहा हूँ। नोटबंदी के समय, नोटबंदी वक्त हमारा पत्नी मैंने 4 लाख रुपया आप बोलो 500,000 ने नोट 4 लाख नौकरी नहीं करती बोस मैं दुआ लाई क्या थी मैंने के स्वच्छता अभियान में तुम्हारे पैकेट साफ कर दी आइटम बनी जे कचरो पड़े जो साहब गंदगी पड़ी है और सनी देओल धर्मेंद्र साहब के बेटे सनी देओल वो कचरे को देख के क्या बोल रहे हैं बहनों भाई देखिए कितने अच्छे शब्द मेरी लिखावट है और ये वीडियो मेरा वायरल हुआ और उसमें एक आवाज आएगी जो आप पहली बार सुनेंगे आपके इर्द गिर्द वो आदमी रहते हैं तुम्हारा आजू बाजू रहे पर एनो आवाज तुम्हारा हो तुम्हारा मगज मां भी एनो आवाज रजू करी सनी देओल कचरा विषय शू कहे मोह जाए तो बेहद भेगा खरीद ने कलाकार ने आशीर्वाद आपसे कचरो पड़ो सनी देओल शू कहे ऑटो पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है कचरे पे कचरा कचरे पे कचरा क्यों करते हो कचरा मच्छर पैदा होते हैं मच्छर से डेंगू चिकनगुनिया और रेशमिया रेशमिया क्यों बोल रहा हूं मच्छर भी गाना गाते हैं इसलिए कहता हूं गंदगी मत करो बहनों भाई राजपाल यादव छोटे से कॉमेडियन है उनका देखिए कितना अच्छा स्टाइल है उसमें एक नई बात भी आएगी कचरा पड़ा और राजपाल यादव क्या कह रहे हैं एक आदमी साला कचरा फेंकता है दूसरा भी फेंक फेंक कर चला जाता है फेंक फेंक कर चला जाता है और काठियावाड़ में लोग मावा खाते हैं थूकते हैं मावा खाया थूका मोबाइल वालों ने रिंगटोन बना दी है आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं उसके मुंह में मावा है मावा थूकने तक लाइन में बने रहे जहां भी कचरा देखा वहीं थूका हमारे ऊपर थूको क्यों तुम्हारे ऊपर थूकू हमारी औरत कहती कोई गधा भी नहीं थूकेगा और थूको चलो मेरे भाई ये बहुत अच्छा मुझे लगा नाना पाटेकर कचरे को देख के आप जाएंगे पिराना साइड पे आप देखेंगे कचरे ही कचरा है पिराना साइड पे आप शायद कभी गया हो तो कचरा पड़ा है और किस तरह नाना पाटेकर कह रहे हैं अच्छा है कचरा नहीं एक आदमी फेंकता है दूसरा भी फेंक फेंक कर चला जाता है एक आदमी ने जहां कचरा देखा वहीं फेंक दिया कचरे का ट्रक और टेम्पो भी कचरे का डाल दिया देखो कचरे का पर्वत बना दिया है पर्वत कचरे का 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 पर्वत यहाँ पर्वत वहां पर्वत अब मैं बोलता हूँ उस कचरे के पर्वत को हटाओ और बताओ हिंदू का कचरा कौन मुसलमान का कौन ईसाई का कौन क्रिस्ती का कौन तो कचरे ने आपस में भेदभाव नहीं किया तो इंसान भेदभाव क्यों करता है अच्छा है अच्छा थैंक यू सर थैंक यू सर